अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टमी विद नाजिया। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की रेसिपी है नवाबी पनीर, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है और बहुत ही लजीज होती है और बहुत ही रिच इंग्रेडिएंट्स है इसमें, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसी बनती है। फ्रेंड्स, नवाबी पनीर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी, देसी घी है। घी मेल्ट हो जाने देते हैं पहले। फ्रेंड्स, घी मेल्ट हो गई है, अब यहाँ पर मैं डालूँगी क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, साथ में यहाँ पर डालूंगी, मैंने यहाँ पर खड़े मसाले ले लिया है, 1 इंच सिनेमन स्टिक है, 3 ग्रीन कार्डमन एंड 3 क्लोव्स लौंग। और 2 बे लीफ। अच्छी खुशबू आने देते हैं, ये थोड़ा क्रैक होता है तो थोड़ा सेफली यहाँ पर काम करें। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली ली है, 4 to 5 ली है, जो स्लाइसेस में मैंने कट कर दी है। के साथ मैं यहाँ पर डालूंगी, मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन का पेस्ट बनाया है, ये मैंने सिंपली पेस्ट बनाया है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। इसको यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मैं प्याज को अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर जो रिलीज हुआ है वो ड्राई हो जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और ग्रीन चिल्ली जो है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए, मैंने अनियन को अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है, इसको भी डाल देंगे अभी। अच्छा मिक्स करेंगे, इसको भी अभी 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो अच्छे से भुना गया है। अब यहाँ पर मैं शामिल करती हूँ, ये मैंने बादाम और काजू का पेस्ट बनाया है। बादाम और काजू को मैंने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक किया, फिर बादाम के छिलके निकाले और दोनों को थोड़े से दूध के साथ ब्लेंड कर दिया, तो 10 बादाम और 10 काजू थे। इन दोनों का पेस्ट मैं इसमें अभी डाल दूंगी ताकि इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी आती है और बहुत ही रिच बनती है ये रेसिपी। वैसे भी ये नवाबी पनीर है। इसे हम अच्छा मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, अब इसमें मैं शामिल करती हूँ कर्ड। मैंने 1/2 कप कर्ड लिया है, इसको मैंने थोड़े से अच्छे से बीट करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दही डालने के बाद कंटिन्यू इसे मूव करते रहें, स्पून को अच्छे से भूने। फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते भूनते। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करती हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इसको अच्छे से मिक्स देंगे। उसके साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अच्छे से मिक्स करेंगे।
फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैं यूज़ करूँगी मिल्क इंस्टीड ऑफ यूजिंग वाटर। मैं पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि ये है नवाबी पनीर, तो यहाँ पर मैं मिल्क यूज़ करूँगी और मिल्क ही इसमें यूज़ होता है। तो मैं 1 कप मिल्क ले रही हूँ ग्रेवी के लिए। अच्छे से मिक्स देंगे। डालने के बाद इसे बॉईल होने का वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बॉईल होने लगा है। अब इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून केवरा वाटर यूज़ करूँगी। इससे इसकी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। तो ये ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं पनीर के क्यूब्स जो है वो ऐड कर दूँगी। अराउंड 400 ग्राम मैंने लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। रखेंगे और इसको 3 से 4 मिनट और कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं पनीर को कुक होते हुए। यहाँ पर मैंने कुछ केसर के थ्रेड्स लिए हैं, उसे थोड़े से मिल्क में डाल के मैंने भिगो के रखा था। इसको भी यहाँ पर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी को ऐसे क्रश करके मैं ऐसे डाल दूँगी कि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक अच्छा मिक्स देंगे। और 2 से 3 मिनट हम इसे कुक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रिच है। आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नवाबी पनीर कुक हो चुकी है, रेडी है। अब हम इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, नवाबी पनीर बहुत ही लजीज बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ लेते हैं अलविदा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।